नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज शौर्य दिवस है। विजय स्तंभ पर सभी शूरवीर, जो भारत के बहुजन शूरवीर है, उन्होंने जाके नतमस्तक हुए। तो आज चंद्रशेखर आजाद भी वहां पे गए और उनका काफिला इतना जबरदस्त था, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आप देखोगे काफिला तो आपको लगेगा कि एक हीरो की एंट्री हो रही है, और हर बहुजन योद्धा एक हीरो ही होता है। तो आपको मैं कुछ तस्वीरें रखूंगा आपके सामने चंद्रशेखर आजाद जी की और विजय स्तंभ की, कि आप देखोगे किस प्रकार से वहां पर भीड़ थी। और बताया जा रहा है ऑन रिकॉर्ड कि 12 लाख लोगों ने आज अपनी उपस्थिति अटेंडेंस वहां पर दर्ज करी और विजय स्तंभ को नमन किया। 12 लाख लोगों ने आज विजय स्तंभ को नमन किया है। तो गाइज, ये कुछ फोटोज देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है भीम आर्मी की, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी अपने काफिले के साथ, भीम आर्मी महाराष्ट्र का जो काफिला है उसके साथ विजय स्तंभ को नमन करने पहुंचे। और ये तस्वीर देखिए कितनी भव्य, कितनी प्यारी, जबरदस्त तस्वीर दिख रही है। हर एक भोजन चाहेगा कि विजय स्तंभ के पास जाकर एक ऐसी तस्वीर खिंचवाए जिससे पता चले कि हम कौन हैं। हमें क्या बोले, डरपोक कमजोर समझने वाले लोग 1818 एक जनवरी याद कर ले। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार होने का एक ही कारण है, और आज सच बोलूंगा, अत्याचार होने का एक ही कारण है, वो है धर्म। वो धर्म जिसने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, वो मनुवाद, वो मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, जिन्होंने हमें धर्म में फंसा के रखा हुआ है। और एक धर्म के कारण ही हम लोग गुलाम बने हुए हैं। अगर हम वो धर्म छोड़ दे और समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिखाए हुए रास्ते पर आ जाए, तो हम ऐसे ही शूरवीर है और यही हमारा इतिहास है। चाहे वो 500 महार सैनिक हो, चाहे अशोक सम्राट हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, शाहूजी महाराज हो, यही हमारा इतिहास है और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं का खून हमारे अंदर है। दोस्तों, तो एक ही बात कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिखा हुआ रास्ता अपनाओ। 1956 में उन्होंने जो दीक्षा ली थी, उस राह पे निकलो, पंचशील का पालन करो और अपना इतिहास जानो, और जो भी अत्याचार करने आता है उसको मुंह तोड़ जवाब दो। मैं ये नहीं कहता कि हिंसा करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों को मारो काटो ये करो, ये तो हमें कतई नहीं करना है। लेकिन अत्याचार नहीं सेना है, किसी का शोषण नहीं सेना है। ये विजय स्तंभ, ये स्तंभ हमें यही सिखाता है जो खड़ा हुआ है आज 204 वर्ष हो गए तब से खड़ा हुआ है। इसको देख के एक ही बात याद करो, एक ही शपथ लो कि हमें किसी का अत्याचार नहीं सहना है, चाहे कोई भी हो, मर जाएंगे स्वाभिमान से जिएंगे, अत्याचार किसी के बाप का नहीं सहेंगे। तो दोस्तों, आपने ये रैली देखी भीम आर्मी की, 12 लाख लोगों ने यहाँ पर नमन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बोलना था। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए आने वाली वीडियो के हर लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए।